अवधूत गीता के कुछ अंश का पाठ कर रहे हैं। यह अवधूत गीता उद्धव गीता का अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण जाने वाले थे लीला संवरण करने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कुछ उपदेश दिए, वे उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह अकपंश अंश भी श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का अंश है और इस 11वें स्कंद में बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातों का वर्णन है, जो हमने अभी एक चैप्टर उसका 7वां चैप्टर समाप्त किया। अब ये 8वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें राजा यदु एक अवधूत से भेंट करते हैं और अवधूत से मिलने के बाद उससे पूछते हैं कि आपको ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आपने किससे ज्ञान प्राप्त किया ये बताइए। और तब अवधूत अपने 24 गुरुओं को बताते हैं। मैंने कहा था कि कई प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं और उसके अतिरिक्त हम संसार के बहुत से लोगों से को अपना गुरु बना सकते हैं। वे गुरु न होते हुए भी हम उन्हें अपना गुरु समझकर उनसे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को वो बताया जा रहा है। यहाँ पर पिंगला का से क्या सीखा, एक वेश्या से उन्होंने कुछ सीखा। मिथिला नगरी में, जनक की नगरी में एक वेश्या रहती थी और ये तो अवधूत हैं, जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, वे फ्री हैं, फ्री टू मूव अबाउट। स्वामी विवेकानंद भी सारे भारत में उन्होंने भ्रमण किया तो गरीबी गरीब की झोपड़ी में भी रहे, पेड़ के नीचे जंगलों में भी रहे और राजाओं के घर में भी रहे, राजाओं के महलों में रहे, उनकी सेवा के लिए सारी रात दासियां रहती थीं, ऐसे स्थान पर भी वे रहे। तो जो अवधूत हैं, जो परमहंस हैं, उनके लिए कि इस स्थान पर जाना न जाना ऐसा कोई बंधन नहीं। वे निकले होंगे उस ओर से और उन्होंने देखा ये खड़ी हुई है, उन्होंने दूर से देखा और वे भी खड़े हो गए, देखें क्या होता। अवधूत ने कई गुरुओं से बातें सीखी थी, उसने मछली से सीखा था कि किस प्रकार स्वाद के लोभी व्यक्ति संसार में फंस जाते हैं और उसके बाद में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा था, तावत जितेन्द्रियो न स्यात् विजित अन्येन्द्रियः पुमान् न रसेत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे, जितम सर्वम जिते रसे। ये याद कर लेना चाहिए, जिसने रस को रसना को जीत लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण। और इसके बाद में ये अवधूत अपने एक अगले गुरु की चर्चा करते हैं, वह है पिंगला नामक वेश्या। उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल पशु पक्षियों से सीखा, उन्होंने मनुष्यों से सीखा और पिंगला जैसी वेश्या से भी सीखा। तो कथा का वर्णन उन्होंने थोड़ा सा विस्तार से किया है। कहते हैं कि पिंगला नाम वेश्या आसीत विदेह नगरे पुरा, पहले विदेह नगर में पिंगला नामक एक वेश्या रहती थी। तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध निपरंदन है राजा, उससे मैंने कुछ सीखा है वह आप सुनिए। सा स्वैरिण्येकदा कांतम संकेत उपनेष्यति अभूत काले बहिर्द्वारी विभ्रति रूपमुत्तमम्। वो क्या थी, स्वैरिणी यानी स्वेच्छाचारी थी और रूपवती थी। उसने क्या किया, एक रात्रि को किसी पुरुष के को अपने रमण स्थान में लाने के लिए संकेतम उपनेष्यति, संकेत के द्वारा जिसके साथ वह रमण करेगी और वो उसे धन देगा,
उसको अपने स्थान पर लाने के लिए उसने क्या, बिभ्रति रूपम उत्तमम, उत्तम रूप धरकर वह अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी हो गई, बहिर्द्वारी बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई, हाव भाव बनाते हुए, जिससे कि कोई उसकी ओर आकृष्ट हो गए। मार्गम आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान पुरुषर्षभ तान शुल्कदान वित्तवतः कांतान मैंने अर्थ का मुका। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, उसे तो क्या था, अर्थ का मुका, वो धन की कामना करने वाली थी, पुरुष की नहीं। उसमें यह मामला इतनी दृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यह सोचती थी कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए आ रहा है। आगच्छतो मार्गान आच्छगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान, जो भी पुरुष उधर से आता था कि यह क्या है, शुल्कदान, ये मुझे धन देंगे, इस प्रकार से वह सोचते हुए वहां खड़ी हुई। आगतेषु अपयातेषु सा संकेत उपजीविनी अपि अन्यो वित्तान कोपि माम उपेक्षति भूरिदः। एक व्यक्ति आता, आगे बढ़ जाता, तो फिर वह तो संकेत के द्वारा जीवन धारण करने वाली वेश्या सोचती है, अब की बार जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो तो धनी है, वो मेरे पास आएगा। इस प्रकार से वो एक के बाद एक बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारी अवलंबवती निर्गच्छति प्रविशति निशीथम समपद्यत। इस प्रकार उसकी दुराशा, बुरी चिंता, बुरी आशा वो बढ़ती चली गई, जा रही थी, वह दरवाजे पर बहुत देर तक बैठी रही, उसकी नींद भी जाती रही, कभी बाहर जाती कभी भीतर आती। इस प्रकार निशीतम समपद्यत, गहरी रात्रि हो गई, कोई उसके पास नहीं आया। तस्या वित्ताशया शुष्यत वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावह। परिणाम क्या हुआ, वित्ताशया, वित्त की आशा में उसको, उसको क्या हुआ, शुष्यत वक्त्राया, उसका मुंह सीख सूख गया, दीन चेतसः, चित्त उसका जो है दीन हो गया, व्याकुल हो गया, इतनी देर तक प्रतीक्षा करते करते करते, तब वह क्या हुआ, निर्वेदम परमो यज्ञ, उसको निर्वेद हुआ। यह निर्वेद शब्द का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, विचार से उत्पन्न वैराग्य, इसको हम निर्वेद कहते हैं। और कई लोगों को इस प्रकार के निर्वेद हुए हैं, आगे और कहानी आएगी। एक लोभी ब्राह्मण था, बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन अत्यंत लोभी था, कृपण था, कंजूस, किसी को देता नहीं था। अंत में उसका सारा धन चला गया, लोग उसे विरुद्ध हो गए, और उसके बाद उसकी आंखें खुली, विचार किया और उसको निर्वेद आया। उसकी चर्चा तितिक्षु ब्राह्मण के प्रसंग में आगे आएगी। तो इस उद्धव गीता में भगवान इस निर्वेद का चर्चा कई बार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं बार बार कहता हूं कि वैराग्य, विशेषकर विचार के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैराग्य अत्यंत शुभ है। यहां पर उसको एक बड़ा वैराग्य हुआ, निर्वेद हुआ, उसकी चर्चा होगी। हमारे जीवन में हम कई बार कई स्थानों पर फंसे हुए हैं, हमें आशा रहती है, प्रतीक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, वासनाएं रहती हैं, और हम उनको छोड़ नहीं पाते, और वे हमें हमारे दुख का कारण होती है, थोड़ा सा सुख लेकिन अधिक दुख का कारण। और उसको भी विचार के द्वारा उसके ऊपर उठकर वैराग्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, छोटी छोटी बातों में।
पुत्र स्त्री से अटैचमेंट आ सकती, धन से आ सकती, मकान से आ सकती, किसी विशेष वासना इच्छा जो हमें कष्ट देती रहती है, थोड़ा सा विचार कीजिए, इसने मुझे कैसा कष्ट दिया, और उसके बाद उससे ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए। ये सभी कर सकते हैं, अपनी दुर्बलताओं को पता लगाएं और उसको दूर करने का विचार के द्वारा प्रयत्न करें, उसके ऊपर उठने का प्रयत्न करें। तो इसके आगे कहते हैं कि तस्या निर्विण्य चित्ताया गीतम श्रृणु यथा मम निर्वेदम आशापाशानां पुरुषस्य यथा हि असि। अब वो कहते हैं कि अब उसका गीत गीत सुनो। उसने गीत गाया, जब उसके चित्त में इस प्रकार की वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, निर्विण्य चित्त सा चित्तया, निर्विण्य चित्त में जो धारणा हुई, तब उसने एक गीत गाया, हे राजन वो मुझसे तुम सुनो, क्योंकि आशा पाशानाम पुरुषस्य यथा ही असि ही। यह जो है, यह जो गीत है, यह आशा पाश को दूरने वाले वाला एक आशा पाश, आशा पाश आशा रूपी फांस, फांस फांसी का फंदा, आशा ही परमम दुखम, इसके बाद में वो आगे अंत में आकर कहेगी। तो उसने जो बोला उसको गीत कहा गया। उसी प्रकार से आगे चलकर जो कंजूस सेठ, जो उसके बाद में बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी उसकी, उसका भी एक गीत है, भिक्षु गीत करके। तो भगवान जहां जहां कपर भी इस प्रकार के सुंदर विचारों से संबंधित बातें आती है, उनको गीत का की संज्ञा देते हैं। तो इसके बाद में उसने बड़ा सुंदर कहा, वो जो कहा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अखंड आनंद जी सरस्वती महाराज जिन्होंने इसके ऊपर टीका की है, वो कहते हैं, उनका तो ये कहना है कि ये अवधूत की तरफ से हवा चल रही थी, वह हवा पिंगला को रगी और वो पवित्र हवा के कारण पिंगला को वैराग्य। जो भी हो, एक सत्संग का प्रभाव उस पर पड़ा, कोई भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर तो पिंगला का को वैराग्य हुआ। सारी रात वह किसी की प्रतीक्षा करते रहे, कोई कांत कोई व्यक्ति आएगा और मुझे धन प्रदान करेगा। सारी रात बीत गई, कोई नहीं आया, और तब उसको बड़ा वैराग्य, बड़ा घृणा हुई, काफी ग्लानी हुई स्वयं के प्रवृत्ति से, और लगा उसको कि अरे अरे मैं क्या कर रही हूं, कुछ भी नहीं मिला, सारी रात मैं प्रतीक्षा करती रही, सारा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, मेरे को जीवन में कुछ नहीं मिला। ऐसा उसने विचार किया, और जो विचार किया उसी को उसने बताया। इसी को पिंगला गीत या निर्वेद गीत के नाम से कहा जाता है, इसी का हम पाठ करते। तो थोड़ा सा तो पहले बता चुका हूं मैं, उसको थोड़ा संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। पिंगला ने जब देखा कोई नहीं आया है, तो निर्वेद निर्वेद उत्पन्न हुआ, और जिससे इसके पहले का श्लोक है, निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा ही असी। यह निर्वेद उसके निर्वेदम परमो जगे चिंता हेतु सुखाव, 27वें मंत्र में है, श्लोक में, कि उसको वित्ता के आशा से दीन हो गई, और उसको चिंता हेतु बार बार चिंता करते करते विचार के कारण उसको निर्वेद हुआ। निर्वेद कैसा हुआ? सुखाव, सुख को ले जाने वाला, सुख का वाहन। देवी देवताओं के वाहन होते हैं, कार में जाते हैं, आकाश के वाहन होते हैं, लेकिन यह निर्वेद एक ऐसा है जो सुख का वाहन है। निर्वेद से घबराना नहीं है, वैराग्य, ये एक परम सौभाग्य अगर किसी व्यक्ति का हो तो वह वैराग्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दें, लेकिन एक अनासक्ति का भाव, संसार की वस्तुओं में अनित्यता का भाव, ये संसार की वस्तुएं दुख प्रदान करने वाली हैं, सुख प्रदान करने वाली नहीं है, उनसे विरक्ति का भाव,
इसको यहां पर सुखावह कहा। और अभी देखेंगे कि पिंगला जो ज्ञान करेगी उसमें भी इन शब्दों का वो उपयोग करेगी। तो पिंगला कहती है यहां पर प्रारंभ में कहा है कि नहीं अंग अजात निर्वेद देह बंधम जिहासती, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, अजात निर्वेद जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन चपड़ों से, संसारों के चपड़ों से, संसार के बंधन से ऊब नहीं गया है। हम संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मजा लेते हैं, घर बनाना है, पति पत्नी एक दूसरे का सेवा करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, इन सब के चपड़े में हम फंसे कब तक रहते हैं? जब तक वैराग्य नहीं। याद रखिए, थोड़ा बहुत सेवा कर दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वैराग्य के बिना जीवन में सुख नहीं होता। और वह और संसार के, ये देह के और देह से जुड़े हुए जो बंधन हैं, कैसे बंधन? अपने परिवार से बंधन, पिता माता पिता से बंधन, पति पत्नी से, पुत्र आदि से जो बंधन है, ये देह से रिलेटेड जो बंधन है, ये इनसे व्यक्ति तब तक नहीं, त्याग करने की इच्छा ही मन में नहीं उठती जब तक वैराग्य नहीं होता। और उसके बाद में उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति ममता नहीं छोड़ता, ये मैं और मेरा, इससे हम पूछ पड़ा रहते हैं। इस प्रकार से इसको कंक्लूड करने के बाद में अब पिंगला का वाच, पिंगला का गाना, अहो मे मोह वितिम पश्य अजितात्मनः या कांतात असतः कामम कामये येन बालिश। वो कहते हैं अहो अहो हरे भगवान, देखो देखो, उसको खुद को अपने को वो कोस रही कि देखो देखो मेरी मोह वितति, मोह का विस्तार, ये मोह एक ऐसी चीज है, मोह इज डिल्यूशन, एक किसी वस्तु को गलत, रॉन्ग कंसेप्ट किसी वस्तु के प्रति हो जावे, उसको कहते हैं मोह। हम संसार को सत्य मान के चल रहे हैं, शरीर को सत्य मान कर चल रहे हैं, भोग जीवन का उद्देश्य है इसे मान कर चल रहे हैं, धन पर कमाना जीवन का उद्देश्य है, इन सब बातों को हम सत्य मान कर चल रहे हैं, इसे कहते हैं मोह, रॉन्ग कंसेप्शंस, डिल्यूशंस, इसकी मोह वितति, उसका एक बार विस्तार हो गया। जब हमने मान लिया कि जगत सत्य है, धन कमाना जीवन का उद्देश्य है, तो फिर उसका विस्तार आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, किसी तरह से भी कमाएं, धन को बढ़ाना है, मकान बड़ा होना चाहिए, अब विस्तार कर लीजिए, बढ़ता चला जाता है। आप, मैं इसको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, ये मोह का विस्तार होने पर आदमी क्या कहता है? जगत को सत्य मान लिया, विषयों को सत्य मान लिया, और विषय भोगों को सत्य मान लिया, और तब फिर विषय भोगों के ऊपर से उसको भोग करने की इच्छा के कारण अपने शरीर पर, अपने मन पर और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता। विजित अविजित आत्मा, यानी जिसने अपने मन को जीता है वो विजित आत्मा, जीत नहीं पाता, अविजित आत्मा, माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड, सेंसेस बिकम अनकंट्रोल्ड। तो जब मोह का विस्तार हुआ तो सेंसेस जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो पिंगला अपने आप को कोसती हुई कहती है कि देखो देखो मेरी क्या हालत हो गई है, मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, मेरा मोह का विस्तार हुआ है, और अब मैं क्या कर रही हूं कि असत कांता, जो असत है, जो असत्य है, क्षणभंगुर है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, ऐसे कांत, कांत यानी जो सुख देने वाले, ऐसे हस्बैंड स्थानी, यहाँ पे तो सब उसके भोग के साथी थे, उन लोगों से, दुष्ट पुरुषों से मैं कामना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा कर रही। अरे पूर्ति इच्छा करनी है तो वो एक रेगुलर वे में करे, ये इरेगुलर वे में असत ढंग से वो कर रही है। वो कहती है देखो देखो मैंने कितना भयानक अकर्म किया, पाप कर्म किया। उसके बाद में दूसरे श्लोक में वो कहती है कि अच्छा अगर भोग करना है तो फिर किससे करूं, सुख पाना है तो किससे पाऊं, अगर संसार के लोगों से नहीं पाऊं तो क्यों पाऊं, किससे पाऊं। अरे देखो ना, यहां पे तो उसके पास में और कोई है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयाद
दिशोक मोह प्रदम तुच्छम हम भजे ज्ञा। वो कहती है कि मेरे समीप मेरे हृदय में तो भगवान विद्यमान, समीपम संतम समीपम, मेरे समय समीप रहने वाले संत मेरे रहने वाले, मेरे समीप मेरे हृदय में रहने वाले रति प्रदम, मेरे को रति प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, रमणम रमणम यरे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी मुझे रति सुख प्रदान करने वाले। और वित्त, वित्त यानी ऐश्वर्य, धन, धन कौन सा? श्री राम कृष्ण कहते थे कि जो श्री राम भगवान को प्यार करता है, श्री राम कृष्ण को जो प्रेम करेगा, उनको श्री राम कृष्ण का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐश्वर्य क्या है? ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य, ये महान धन है, महान ऐश्वर्य, ये महत् संपद संपदाएं हैं। ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य क्षमा दया, जिसको देवी संपत्ति कहा, अहिंसा सत्यम अस्तेय त्याग इत्यादि जो गीता में, आसुरी संपत्ति क्रोध लोभ इत्यादि को असुरी संपत्ति, और देवी संपत्ति संपत्ति बताई, वित्त बताया। तो ये जो मुझे इतना अच्छा वित्त देने वाले हैं, ये नित्यम मेरे पास में सदा विद्यमान हैं, इनको छोड़कर ऐसे भगवान को जो मेरे परम प्रिय हैं, मेरे सच्चे स्वामी हैं, मुझे परम सुख प्रति सुख प्रदान करने वाले हैं और धन देने वाले हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य देने वाले हैं, दैवी संपत्ति देने वाले हैं, उनको छोड़कर अकामदम जो कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, संसार के लोग कभी किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी संसार के लोगों के संसार की वस्तुओं से मानव कभी सुखी नहीं हुआ। ययाति की घटना मालूम है ना, राजा ययाति थे, उनकी भोग की पूर्ति नहीं हुई थी और उनको श्राप मिला, उन्होंने कुछ गलती कर दी तो उनको श्राप मिला, उनका बुढ़ापा चला, जवानी चली गई, बूढ़े हो गए, और भोग तो अभी बचा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक पुत्र से उन्होंने जवानी एक्सचेंज कर दी, तुम्हारी उम्र मुझे दे दो। वो पुत्र अच्छा था, उसने कहा अच्छा बुढ़ापा ले लीजिए, मुझे क्या है, जवानी तो बड़ी अनर्थ का कारण है, जवानी में लोग कितना नाना कितने युवावस्था के कारण उसके वेग से न जाने कितने बुरे काम करते हैं, आप ले लीजिए मेरी जवानी, मेरे कोई बात नहीं, मुझे तो बल्कि पुण्य मेरा मिलेगा कि पिताजी का मैंने इतना, पिताजी की मैंने इतनी सेवा की, उनको अपनी उम्र तक दे दी। उसने बुढ़ापे ले लिया, उनको जवानी दे दी, और इन्होंने कहते हैं हजार साल तक फिर भोग किया, खूब भोग किया। उसके बाद में कहने लगे कि ना तो काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्ण वर्ष देव भूव वर्तते, कि कामनाएं जो है भोग से कभी शांत नहीं होती, वो तो अग्नि में जैसे पानी के बदले, पानी अग्नि को शांत करने के लिए पानी डालते हैं, उसके बदले अगर आप घी डालें तो जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, तो उससे नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि संसार का जितना धन, जितने हाथी, जितने घोड़े, सारा संसार का धन, सारा संसार का हाथी घोड़े और समस्त स्त्रियां और पुरुषों, स्त्रियों के लिए समस्त पुरुष अगर हो जावे तो भी एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि भोग से आप संतुष्ट होंगे, लोभ संतुष्ट नहीं होगा और काम संतुष्ट नहीं हो सकता, एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ये। तो यहां पर कहा अकामदम, कामनाएं पूरी नहीं हो सकती किसी व्यक्ति से, बल्कि उल्टा क्या है, दुख, भय, आधि व्याधि बीमारी, शोक, मोह, ये पांच चीजें प्राप्त होंगी, दुख भय आधि शोक और मोह। संसार के भोगों में आप जाइए तो ये चीजें पांच मिलेंगी, दुख मिलेगी, अधिक करिए भोग कीजिए डायबिटीज होगी, आज और खाना खाइए पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, कुछ न कुछ समस्या हो जाएगी, भोगे रोग भयम, आजकल तो एड्स भया भयानक, दुख भय, कई प्रकार के भय संसार में लगे रहते, किसी व्यक्ति से आसक्ति होवे तो बिछुड़ने का भय,
अगर आप किसी से नहीं चाहते हैं वो व्यक्ति आके मिलेगा तो उसे कष्ट होगा। इष्ट वियोग और अनिष्ट योग, जो इष्ट है जो चाहते हो उससे वियोग हो सकता है, जो नहीं चाहते हो वो मिल जाएगा। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के भय, भय कई प्रकार के हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। मृत्यु भय है, बुढ़ापे का भय है, इष्ट योग अनिष्ट योग का भय है, धन नहीं प्राप्त होगा और पुत्रादि के कारण कितना कष्ट होता है भय। उसके बाद आधी व्याधि, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजिकल इलनेस, देखिए ना बढ़ती चली जा रही। आधी का अर्थ होता है मेंटल इलनेस, यहाँ पर केवल आधी लिखा है, इससे हमें लेना चाहिए आधी व्याधि दोनों, व्याधि यानी फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस। आजकल तो बढ़ता चला जा रहा है, जितना आप भोग की तरफ जाएंगे उतना मन चंचल होगा, अस्थिर होगा, नींद नहीं आएगी, चिंता बनी रहेगी, एंड यू विल सफर। तो भोग से आपको डेफिनेटली आधी, आधी यानी साइकोलॉजिकल इलनेस, आज के युग में साइकोलॉजिकल समस्या सबसे ज्यादा हो रही है। एवरीवेयर लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट जो है वो उनका काम बढ़ता चला जा रहा है, साइकेट्रिस्ट का काम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहते हैं आधी बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं शोक, भय, दुख, शोक, दुख और शोक को उन्होंने अलग किया है, खैर कोई बात नहीं। और शोक यानी साइकोलॉजिकल शोक कह सकते हैं, दुख फिजिकल दुख कह लीजिए, शोक यानी मन के अंदर जो चिंता इत्यादि वो, और मोह, ये डिल्यूजन बढ़ता चला जाएगा। इन पांच के कारण ये सब के सब तुच्छम, ये सब की जो संसार की वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो तुच्छ हैं, और मैं कैसी कैसी अज्ञानी हूं, कैसी मैं मूर्ख हूं कि मैं अज्ञ अज्ञानी मूर्ख हूं जो इनके पीछे में भाग। इसके बाद कहते हैं अयो महा मयान्या परितापितो वृथा, अथो अहो मयात्मा परितापितो वृथा, संकेत वृत्याति विगर्ह वार्तया, स्त्रेणाद् नराद्वा यार्थ त्रिशो नुशोच्यात्, कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। इसके बाद में कहती है वो अपने आप को वही उसी प्रकार से अपने को उलाहना देती हुई कहती है कि देखो मैंने कितना बुरा किया। अहो मया, अहो मया आत्मा परितापितः वृथा, मैंने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, मैंने अपनी आत्मा को वृथा परिताप, व्यर्थ में मैंने अपने कष्ट दिया। देखिए बाद में आएगा, भी आएगा, कैसी सौभाग्यशाली थी, कम उम्र में, ऑब्वियसली जवान थी, कम उम्र में उसको वैराग्य हो गया, अरे मैंने अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, कितना मैंने अननेसेसरली ऐसी काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए, ए बस बस अब नहीं। व्हाट ए ग्रेट ब्लेसिंग, अभी आएगा कि इतना बड़ा उसको ब्लेसिंग प्राप्त हुआ, उसने वैराग्य प्राप्त हुआ। वो कहती है अहो मेरे द्वारा मैंने व्यर्थ ही परिताप किया, तो क्या वृथा संकेत वृत्तिया अति विगर्ह वार्तया, ये मैंने जो संकेत वृत्ति पर पुरुष के साथ रहने की जो वृत्ति थी, संकेत के द्वारा किसी को बुलाना और उसका भोग करना, ऐसी गर्हित मैंने काम किया। फिर कई बार हमारे जीवन में कुछ हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं, गर्हित होते हैं, उसके लिए हमें संशोच होना चाहिए, अरे राम राम ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहती है वो क्या कि मैंने ऐसे नरों से, जो स्त्री लंपट नरों से मैंने, और जो शोचनीय हैं, गर्व बैड लोग हैं, उनके द्वारा मैं, धन के द्वारा मुझे खरीदा गया और मैंने उनसे भोग करने की इच्छा की। संसार में कई प्रकार के लोग और उनके साथ डील करना पड़ता है, कई प्रकार के अगर ऐसे गर्हित लोग हों कई बार बिजनेस वगैरह में, तब लगना चाहिए अरे राम राम ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो यहां तो उसका केस डिफरेंट है, यहां पर वो अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका भाव अद्भुत है। वो शोक करती हुई कहती है कि मैंने ऐसा कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए।
उसके बाद में वो कहती है अपने शरीर के लिए किस लिए किया मैंने, तो अपने शरीर का वर्णन करती है, यदस्ति भी निर्मितम वंश वंश स्थूणम त्वचा रोम नखै पिनद्धम क्षरण नवद्वार मगार में तत् विन्मूत्र पूर्णम मुबैतिकान्या। यह शरीर कितना गर्हित है, कितना गंदा है, पिछली बार मैंने आपको बताया था, और यह बात सर्वत्र कही गई है पातंजल योग सूत्र में। आप लोगों ने जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किए थे वे जानते हैं, वहां पर भी कहा गया है क्यों शरीर अत्यंत गंदी चीज है, कई कारणों से, वो मैंने बता दिए थे। बीज स्थान उपस्तंभ स्यंदन आधेय निधत निधन आधेय शोचत्वम निधन, इन 5-6 कारणों से ये शरीर अत्यंत गर्हित है, गंदा रहता है। एक बार स्नान नहीं करो तो बदबू आने लग जाए, अगर मर जाता है तो हम छूने इस बात चाहते हैं, उसको सबसे अपवित्र वस्तु समझते हैं। नाक कान से जाना जाने कितनी गंदी गंदी चीजें निकलती रहती हैं। इस प्रकार से ये शरीर अत्यंत गर्हित है, और उसका वर्णन करते हैं वे कहती है वह कि कैसा है ये, अस्थि भी निर्मितम हड्डियों से बना हुआ है, और ये हड्डियां मानो खंभे हैं, बांस लगे हुए हैं, इसके ऊपर चमड़ी का एक बना लगा दिया गया है, और रोम और नख के द्वारा उसको छत को जैसे छत बनाते हैं इस प्रकार का रोम नख लगाकर छत बनाया गया है, और 9 द्वारों से इसके अंदर से सब चीजें निकलती हैं, गंदी चीजें निकल रही हैं, और मूत्र विष्ठा इसमें भरी हुई है। ऐसे शरीर को मैंने पोषण किया, अरे राम, मेरे सिवा और कौन ऐसा है, कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे शरीर को पोषण करेगा, मुझे नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों के लिए कह रही है कि हमें, हम शरीर को कितना महत्व देते हैं, न जाने कितनी कितनी चीजें लगाते हैं, इसको खुश अच्छा रखने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। और मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछली बार, कई साधुओं को मैंने दर्शन किए हैं जो शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं, साबुन तक नहीं लगाते, तो बस स्नान कर लिया, कपड़ा पहुंच लिया, साबुन लगाना, ये शरीर की बिल्कुल न खाने की चिंता है, न किसी प्रकार से खरी शरीर को अच्छा रखने का कोई चिंता, कोई टैबलेट खाना नहीं, कोई मल्टीविटामिन खाना नहीं, कुछ ऐसे। हाँ, शरीर जो है वह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधना के लिए जितना ठीक है उतना शरीर रखें। स्वामी दुर्यानंद जी यहाँ पर किशनपुर यानी देहरादून के ऊपर जो राजपुर रोड जाती है, आप मैसूर का रास्ता अपने मसूरी के रास्ते पर, वहाँ पर हमारा आश्रम है किशनपुर पे, वहाँ से थोड़ी दूर आश्रम तो अब बना है, थोड़ी दूर वहाँ पर एक कुटिया अभी भी है, छोटा सा शिव जी का मंदिर, उस कुटिया में रह के तपस्या करते थे, और खाने पीने की कोई चिंता नहीं, भिक्षा कभी मिल गई मिल गई, एक बार भिक्षा करने चले जाते थे, बीमार पड़ गए थे तो एक बार गए एक माता के पास कि भिक्षा दो, तो उसने कहा बाबा तुमने अपने शरीर को क्या बना रखा है, इसमें तो अस्थि और चमड़ा और कुछ नहीं बचा है, इतने दुर्बल हो गए। और उन्होंने कोई ब्रह्मचारी आया, उसने कहा कि मैं इन्फॉर्म करूंगा, तो तुम इन्फॉर्म करोगे तो मैं जगह छोड़ के चला जाऊँ, मैं कनखल में इन्फॉर्म करूंगा, हॉस्पिटल है, तुम इन्फॉर्म करोगे तो मैं जगह छोड़ के चला जाऊँ, बिल्कुल इन्फॉर्म। तो जब उस माता ने कहा कि बाबा तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल जर्जर हो गया है, अस्थि और चमड़ी बचा है, तो उन्होंने क्या कहा, अरे माँ मैं तो शरीर को भूलना चाहता हूँ, तुम मुझे भूल उसकी याद दे। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर शरीर का पोषण करते हुए कोई समझे कि वह मोक्ष प्राप्त करेगा तो वह ऐसा मूर्ख है जो इस प्रकार का मूर्ख है, यदि कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो मगर का सहारा लेगा, मगर को दारू को ग्राह दारुद्र्याम धृत्वा नदी तर्तुम स इच्छति, एक मगर है उसको समझ लिया कि लकड़ी है, उसके ऊपर बैठ के चलो मैं पार हो जाऊंगा, तो क्या पार होगा। उसी प्रकार अगर आप समझते हैं कि ये शरीर का पोषण करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, कभी नहीं, वो उसको ही डूबा देगा। यहाँ वो कह रही है कि ऐसे शरीर का मैंने कितना पोषण किया, मैंने व्यर्थ समय बर्बाद किया। फिर आगे कहती है, विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधीः यानिच्छन्त्यसत्
तस्मात आत्मात कामम अच्युतात। क्या कहा है? अब वो दूसरे प्रकार से बात कर रही, अलग अलग प्रकार का विचार है, याद रखिए, कई प्रकार का विचार। अपने को आत्मग्लानी भी एक प्रकार का, एक इमेंसिपेशन, हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। वो कहती है, अरे अरे, विदेहानाम पुरे, विदेह की नगरी, मैं मिथिला में रहती ना, तो उस समय विदेह थे कि नहीं, ये बात छोड़ दीजिए। विदेह यानी जनक राज, राजा जनक, उनकी नगरी को विदेह नगरी कहा जाता था। क्यों? वे स्वयं विदेह थे। विदेह यानी उनको देह में रहते हुए भी देह से पृथक थे, वे मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, ज्ञानी थे। वो जानते थे कि मैं देह से भिन्न हूं। वो कहानियां आप जानते हैं ना, एक सुखदेव के साथ है, या जो भी कहिए, सुखदेव तो नहीं होना चाहिए, एक कोई सन्यासी आए, किसी ने भेजा कि तुम जाके राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करो। तो राजा जनक ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, जरा स्नान करने चले। तो स्नान करने गए, मिथिला नदी के किनारे गए, स्नान करने लगे। इतने में उसके पास में महल था, महल में आग लग गई, बड़ी आग लगी, जोर जोर से जोर आग लग रही है, लोग चिल्लाने लगे, अरे बचिए बचिए इत्यादि। और वो आग किनारे पर आ रही थी, और किनारे पे इन लोगों के कपड़े पड़े हुए थे। जनक राजा ने कपड़े खोल रखे थे, और इस व्यक्ति ने भी अपनी एक कॉपीन होगी वो रखी होगी, एक कपड़ा था वो रखा हुआ था। जैसे ही आवाज आई तो ये जल्दी से निकले, अपने कपड़े बचाने लगे। और विदेहराज जनक ने क्या कहा? कुछ नहीं, नहीं उठे। मिथाला मिथिलायाम विदग्धायाम न मे किंचन दह्यति, मिथिला के जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता। ये जनक राज विदेह थे, वे परम ज्ञानी थे। तो ज्ञानी की नगरी, जीवन मुक्तों की नगरी, उसका प्रभाव नहीं होगा क्या? यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा, ये भी होता है। जैसा राजा होता है उसका प्रभाव प्रजा पर अवश्य पड़ता है। तो निश्चित रूप से प्रजा में भी, भले ही सब विदेह नहीं होंगे, सभी जीवन मुक्त नहीं होंगे, लेकिन वहां का स्टैंडर्ड, आध्यात्मिक स्टैंडर्ड डेफिनेटली महान होगा। तो यह कहती है कि विदेहराज की नगरी में मैं ही एक मूर्ख हूं, अस्मिन एक एव मूर्ति, मैं ही एक मूर्ख हूं, बाकी तो ज्ञानी है, बाकी सज्जन है, बाकी वैरागी है, अलग अलग लेवल के होंगे। मैं एक मूढ़ हूं कि या अन्यम इच्छन्ति असत असति अस्माद आत्मात आत्मदात कामम अच्युतात। जो अच्युत, अच्युत यानी भगवान, अच्युत जो अपने स्थान से कभी च्युत न होवे, ऐसे भगवान जो आत्मा, आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, आत्मात, उनको छोड़कर मैं दूसरी व्यक्तियों से शांति प्राप्त करना चाहता। एक बार अगर हम आत्मा को प्राप्त कर लेवे, आत्मा के साथ कांटेक्ट हो जावे, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होना चाहिए। और विदेह नगरी में यदि यह न हो गया तो और कहां होगा? तो ये अपने आप को कोसती हुई कहती है कि अरे अरे, मैं कितनी अभागी हूं जो मैं ऐसे बढ़िया स्थान पर रहकर मैं ये कार्य करे। याद रखिए, तीर्थ ऐसा स्थान है कि जहां पर बहुत से लोग जाकर भगवान का ध्यान जप करते हैं, वहां पर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत होते हैं। यहां पर नहीं है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम एक वातावरण का, एक एटमॉस्फेयर की मदद लेते हैं। आप घर में रहिए, उसके बदले यहां आइए, फर्क पड़ेगा। आप आश्रम में घर पे रहिए, घर पे ध्यान करिए, उसके बदले अपने हमारे आश्रम की श्राइन में आके ध्यान करिए, फर्क पड़ेगा। एक एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, संगत का प्रभाव पड़ता है, जैसे लोग हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीर्थ में जाना एक बहुत महत्वपूर्ण साधना का अंग है। लेकिन अगर आप तीर्थ में जाकर भी असत चिंतन करें, असत कार्य करें, तो फिर इसका उपाय क्या? अरे क्या करेगा, उसका लाभ आपने नहीं उठाया, उसके बाद आपकी कोई गति नहीं। इसलिए ये कहती है कि विदह नगरी में होते हुए भी मैंने इतना बड़ा काम किया कि श्री भगवान को मैंने, जो मेरी आत्मा है, उनको छोड़कर मैं दूसरे व्यक्तियों के पीछे भागी।
अब आगे कहती है, सुरेत प्रेष्ट तमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम तम विक्रिय आत्मना आत्मा आत्मनैवाहम रमे नेन यथा रमा। अब उसका डिटर्मिनेशन, वो कहती है जो हो गया सो हो गया। देखिए, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जीवन में हम सब समय सारा जीवन अनुशोचना करते नहीं बैठते। कोई गलती की है, गलती की है, ठीक है, हो गया हो गया, रिपेंटेंस हुआ, अनुशोचना हो रही है, दुख हो रहा है, उसको बड़ा परिताप संताप हो रहा है। अब क्या वो बैठी बैठी हमेशा कहेगी अरे ये मैंने बड़ा बुरा किया, ये बड़ा बुरा किया? नहीं, अब उसने निर्णय ले गया, अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं कुछ करने वाली, क्या करने वाली? यहाँ पे वो ये कहती है, क्या कह रही है कि मैं अब भगवान से प्रेम करूंगी। मेरी वृत्ति है रमण करने की, वेश्यावृत्ति है, ठीक है, अब मैं एक रमण को पकड़ूंगी, और कौन? वो भगवान। भगवान के साथ ही मेरा जो भी संबंध होगा वह करूंगी। जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान के साथ में रमण करती हैं, उनके साथ में सुख प्राप्त करती हैं, उस प्रकार मैं भी प्राप्त करूंगी। तो ये कहती है, सुरेत प्रेष्ट तमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम। क्या है? शरीरिणाम आत्मा, शरीरी प्रणी व्यक्तियों की जो आत्मा है परमात्मा, वो कौन है? सुरित। सुरित यानी मित्र। मित्र और सुरित में थोड़ा फर्क, सखा और सुरित में फर्क है। भगवान गीता में आता है, भगवान सुरित सर्व सुरितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये है। और गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरित, भगवान के लिए है वो क्या है? हमारी गति है, भर्ता हमारा पोषण करने वाले, भोजन देने वाले, गति ही भर्ता। प्रभु हमारे स्वामी हैं, साक्षी हमारे अंतर्यामी साक्षी हैं, जो हम जो कर रहे हैं उसको निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। साक्षी शरणम, हम कहाँ जाएंगे? हम जब दुख में होंगे तो भगवान की शरण में जाएंगे। और शरणम सुरित, हमारे सुरित हैं। सुरित यानी क्या? जो हम विपरीत हो जाए तो भी वह विपरीत नहीं होवे। मित्र सखा दोनों साथ साथ, अगर एक मित्र गुस्सा हो गया, चलो अनबन हो जाती, वो बात ही नहीं करता है तो हम भी बात नहीं, अरे वो बात नहीं करता तो मैं काहे बात। सुरित अगर आप विपरीत करो, बुरा करो, जैसा वो चाहते हैं वैसा न करो, तब भी आपका कल्याण करे, उसको कहते हैं सुरित। और ऐसे हैं भगवान, चाहे आप कुछ भी बुरा करो तो भी हमेशा ही कल्याण करे, हमेशा ही। तो सुरित प्रेष्टतम प्रियतम मोस्ट बिलवेड, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रियतम बोलते हैं ना, मोस्ट बिलवेड, वो मेरा भगवान परमात्मा इज मोस्ट बिलवेड। अब इसके ऊपर तो बड़ा विस्तार हो सकता है। ये पंचदशी में आत्मा क्या प्रियतम कहा गया है, और जो बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री ब्राह्मण का जो वर्णन है, जिसमें मैत्रेयी का मैं आपको बता चुका हूँ, कभी कभी उस पर विचार किया है, कि मैत्रेयी जब याज्ञवल्क जब संन्यास देना चाहते थे, तब मैत्रेयी ने कहा कि आप मुझे धन दे रहे हैं, उससे क्या मुझे सुख, मेरे को अमृत मिलेगा? तो वो कहते हैं अमृत नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह बताइए कि जिससे मैं अमर हूं। तब फिर याज्ञवल्क्य उसको उपदेश देते हैं, उसमें वो कहते हैं, न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती इत्यादि, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, और नारद भक्ति सूत्र में भी उसका मैंने उल्लेख किया है। कहते क्या है कि आत्मा के यानी स्वयं के सुख के लिए बाहर की वस्तुएं प्रिय बनती। कोई व्यक्ति पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, खुद के लिए प्रेम करता है। पति को पति के लिए प्रेम नहीं करता, खुद के लिए प्रेम करता है। धन को पुत्र को, बहुत सारे आइटम्स बता दिए। उसके आगे जाइए, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं? शरीर के लिए नहीं, अपने लिए।
ये शरीर मुझे दुख देने लग जाए तो मैं इसको प्रेम नहीं करता, व्यक्ति शरीर के लिए प्रेम नहीं करता, व्यक्ति शरीर के लिए प्रेम नहीं करता आत्मा के लिए। उसके ऊपर विस्तार से विचार किया गया। अगर कोई व्यक्ति मेरी आंख फोड़ने के लिए आए तो क्या करूंगा, मैं अपना हाथ रखूंगा, हाथ को कटवा दूंगा, तो शरीर से इंद्रियां प्रिय हैं। अगर आंख में कैंसर हो जाए और कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालेगा, क्या कर निकाल दीजिए, क्यों, प्राण प्रिय है। जितना भी व्यक्ति वस्तु अंतरतम होगी उतनी प्रियतम होगी। और कुछ लोग अपना प्राण भी त्याग देते हैं किसी आदर्शों के लिए, बहुत सारे लोग हो गए हैं, महान लोग हो गए हैं, सत्य के लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी का दृष्टांत ले लीजिए, अनेक देशभक्तों का दृष्टांत लीजिए, कुछ आदर्श के लिए अपना प्राण भी त्याग कर देते हैं। उसके भी आगे जाइए, यानी मन जो है वो और भी प्रिय है, प्राण से मन प्रिय है, और कहते हैं अंत में आत्मा प्रिय है। आत्मा अंतरतम होने के कारण सबसे प्रिय है, और इसीलिए कहा प्रेष्टतम, सबसे प्रिय। अरे पत्नी प्रिय नहीं है, हम पति पत्नी कहते हैं प्रियतम, बिलवेट बिलवेट कहते हैं, लेकिन रियल बिलवेट जो है वो आत्मा है। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं आत्मा की आत्मा, इज द मोस्ट बिलवेट। हम समझते नहीं, ये विचार के द्वारा बताया गया, इज द मोस्ट बिलवेट। हम सबसे ज्यादा, सभी लोग सेल्फ लवर्स हैं, हम सेल्फ जानते नहीं है, सेल्फ, हम सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन जब कैपिटल एस के बाद हो जाए सेल्फिश, यू स्टार्ट लविंग योर आत्मा या परमात्मा, दैट इज रियल लव। तो इसलिए कहा गया प्रेष्टतम। उसके बाद नाथ, नाथ यानी स्वामी, मेरा मास्टर, आत्मा मेरी अंतरात्मा, यह सब कौन सा है, ये भगवान के लिए उसने ये विशेषण दिया। वो मेरा मित्र है, प्रियतम है, बिलवेड है, स्वामी है और आत्मा। किसी भी रूप से आप ले लो, भगवान को अपना स्वामी समझ लीजिए, पति समझ लीजिए, उसको अपना मित्र समझिए, अपनी आत्मा समझिए, किसी भी प्रकार से समझकर भगवान को प्रेम करो। उस कहती है आयम आत्मा शरीरिनम तम, उसको मैं विक्रिय, उसको मैं खरीदूंगी, तम विक्रिय, उसको मैं खरीदूंगी, आत्मना एव, अपनी आत्मा के द्वारा उसको मैं खरीद करूंगी, अनेन रमे, उसके साथ मैं रमण करूंगी, आई विल गिव माई सेल्फ, और मैं उनको खरीद लूंगी। मीरा का भजन है ना, बड़ा सुंदर भजन है, माई मैंने गोविंद लीनो मोल, माई मैंने गोविंद को आज खरीदा है। तो गोविंद एक मूर्ति, गोविंद की मूर्ति नहीं खरीदी है, गोविंद को खरीदा है। कैसे, वो बड़ा सुंदर भजन है, वो कहती है कोई कहे कालो, कोई कहे गोलो गोरो, कोई कहता है कि अरे काला है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये तो काला है, कि नहीं ये गोरा है, कहते हैं नहीं, वो कहती है, मीरा कहती है लियो आंखी खोल, मैंने देख के लिया, मैं सब जानती हूँ कौन से रंग का है। कोई कोई कहे छानो, कोई कहे चुपके, तुमने चुपके से लिया, कोई ने छिपा के लिया ऐसे लिखा, नहीं मैंने लिया बजाए ढोल, सबके सामने मैंने ढोल बजा के ओपनली भगवान को मैंने स्वीकार किया है। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, हाँ लियो तेरा तराजू तोल, मैंने तराजू, कोई भी क्रिटिसाइज कैसा करे, मैंने तराजू तोल के लिया है। तन का गहना सब कुछ दीना, मैंने सब कुछ दे दिया है अपना, लियो बाजू बंद खोल, जितना मेरे पास था सब कुछ मैंने खोल दे दिया है, त्याग कर दिया है। मीरा प्रभु के हाथ बिकानी सर्वस्व दीनो घोल, मैंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को प्राप्त किया है, प्रेम से भगवान को उन्होंने खरीद लिया। उसने कहा कि मैं भगवान को प्रेम से खरीदूंगी और उसके साथ में मैं रमण करूंगी, बड़ा सुंदर इसका भाव है। उसके बाद में वो कहती है भगवान को खरीदना, ये इतने लोगों हैं भगवान को, श्री राम कृष्ण कहते थे कि भगवान मुक्ति देने में हिचकिचाते नहीं है, भक्ति देने में हिचकिचाते हैं,
मुक्ति तो दे दी, दे दी, ठीक है, लेकिन भगवान खरीदने में नहीं आते, भगवान आपके नहीं बनते। अगर भक्ति हो जावे, सच्चा प्रेम हो, तो भगवान बंध जाते हैं, इसलिए भक्ति नहीं देते, सच्चा प्रेम नहीं, कि ये मेरे को बांध लेंगे। गोपियों ने बांध लिया था, यशोदा ने बांध लिया था, और गोपियों ने नचाया था, अरे थोड़ा सा मक्खन दे देंगे, थोड़ा नाचना, थोड़ा मक्खन दे के नचाते थे गोपियों। कैसी कहानियां, अद्भुत कहानियां हैं, थोड़े से मक्खन के लिए नाचने गए थे, श्री कृष्ण को उन्होंने खरीद लिया। तो भगवान जो है वो भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो उसके बाद में वो कहती है कि मैं अब भगवान को, मेरे प्रिय हैं, सुरित हैं, उनको मैं खरीद कर उनके साथ में ऐसा भोग करूंगी जिस प्रकार रमा यानी लक्ष्मी करती। इसके बाद में वो कहती है कियत प्रियम में व्यभजत व्यभजन, कियत प्रियम में ते व्यभजन कामा ये कामदानरः, आद्यवंतो भार्याया देवा वा काल विद्रुमाः। अब आगे कहती है, थोड़ा सा वही विचार चल रहा है, पुराना विचार चल रहा है। एक बार तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भगवान को भजूंगी और किसी को नहीं भजूंगी, लेकिन पुराना विचार अभी भी, वैराग्य का विचार बार बार चल रहा है। और यह भी एक अच्छी बात है, एक बार ये वैराग्य बार बार हमें उठाना चाहिए, हमारा मन संसार की तरफ बार बार जाएगा, बार बार उसको काटना पड़ेगा। एक बार निर्णय कर लिया कि हम भगवान में ही मन लगाएंगे, फिर भी देखिए बार बार संसार की तरफ मन जाएगा, तो बार बार विचार करना पड़ेगा। वो यहां क्या कहती है कि वो मन से ही कहती है, तू बता तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनके देने वाले ने पूछे तुझ कितना क्या सुख दिया, कियत प्रियम ते व्यभजत, तेरे को कियत कितना प्रियम दिया, कामनाएं कौन सी कामनाएं तेरी पूरी की, किसने, कामदा नर, जो नरों को तू सेवा करती थी उन्होंने तेरी कितनी कामनाएं पूरी की बता दो। अकाम ही रही, कामनाएं कभी पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा धन दे दिया उसके सिवा और क्या हुआ, कुछ तो नहीं मिला तेरे को, क्या कामनाएं मिली हैं। आद्यवंतो भार्याया, ये क्या है, ये तो आदि और अंत वाले हैं, और ये देखो अच्छा देवताओं को कामनाएं पूर्ति हुई है, नहीं। वो कहती है कि काल विद्रुमा देवा, देवता लोग जो भी हैं, जो काल के बस में हैं, कितने दिन रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे उसके बाद नष्ट हो जाएं, उन्होंने अपनी स्त्रियों का कितना सुख किया, उन्होंने अपनी स्त्रियों को कितना सुख प्रदान किया है, उनकी कौन सी कामनाएं उन्होंने पूर्ण की है, वो भी तो नहीं कर सके। संसार के अनित्य लोग किसी की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, वो बार बार विचार करती है, इसलिए कहती है भगवान को ही भजो। दुर्भाग्य यह है कि यह बात हमारे मन में जाती नहीं, लगता है थोड़ी कामनाएं तो पूर्ण हो रही हैं, थोड़ा तो हम बड़ा खुश हैं, बड़े सुख हैं। धीरे धीरे जब जवानी चली जाती है, भोग के बाद धीरे धीरे जब संसार कर में समस्या आती है, तब चलता हरे बाप। और कोई व्यक्ति दुर्भागी होगा कि जिसके जीवन में दुख नहीं आया, दुख आता है उसको भूल जाते, भले कितने भी बड़े कैपिटलिस्ट हो गए, बड़े बड़े मल्टी मिलियनेयर्स हो गए, सब सुख विद्यमान है, तो अभी नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। एक उनकी मैं बात पढ़ रहा था, स्वामी निरंजनानंद जी की जीवनी, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, स्वामी निरंजनानंद जी का जीवनी जीवन था, 30 तारीख को जिस दिन राखी पूर्णिमा थी, उस दिन रामकृष्ण मिशन के सन्यासी स्वामी निरंजनानंद जी, श्री रामकृष्ण के शिष्य, उनकी जीवनी पढ़ रहा था। तो उसमें आता है कि वो प्रेतवादी थे शुरू में, श्री रामकृष्ण के पास आने के पूरे, जो वो प्लेंचेट वगैरह होते हैं ना, वो प्रेत को बुलाते हैं और उसके बाद में कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक प्रकार का घोस्ट टाइप की चीज, वो बड़े अच्छे मीडियम हो जाते थे और वे लोगों के बीमारियों को दूर भी कर देते थे। तो एक धनी व्यक्ति आया, उसने कहा बहुत पैसा था उसके बाद, मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, लेकिन उनको वैराग्य हो गया, अरे ये धनी होते हुए मैंने सोचा कि सुखी रहेगा, इसको नींद नहीं आती, अरे बाबा धन कभी सुख नहीं देता, धन और सुख का कोई रिलेशन, कोई एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं है कि धन इक्विवेलेंट टू हैप्पीनेस, कभी नहीं, उल्टा ही है, उल्टा ज्यादा। तो ये कहती है यहां पर कि
कितना सुख प्राप्त हुआ मुझे, संसारी लोगों से क्या सुख प्राप्त हुआ, अरे देवता भी अपनी पत्नियों को सुख नहीं दे सकते इत्यादि। न्यूनम में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा, निर्वेदोयम् दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः। ब्यूटीफुल। अब कहती है देखो मुझ पर भगवान प्रसन्न हो गए। नूनम, नूनम यानी इंडीड, सचमुच मैं, मेरे प्रति विष्णु भगवान प्रीत हो गए, मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा है, बड़ी कृपा है। कोई मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, केनापि कर्मणा, कोई मेरे पूर्व जन्म मैंने ऐसा कुछ किया होगा कि जिससे भगवान प्रीत हो गए। क्या, क्यों, जिससे दुराशाया अयम निर्वेद यन्मे जातः, जिससे दुराशा से बुरी चिंता कर रही थी, मैं बुरा काम करने जा रही थी, उस बुरे काम और बुरी चिंता के फलस्वरूप भी मुझे सुखा वह, वही सुख प्रदान करने वाला वैराग्य हो गया। किसी भी तरह से वैराग्य हो जावे, अच्छे काम से होवे बुरे काम से, वह व्यक्ति, वो निरंजनानंद जी की कहानी बताई तो उनको वैराग्य हो गया धनी व्यक्तियों से, धन से। कैसे हुआ, देखा कि एक धनी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, वो नींद नहीं आती, सुखी नहीं, उसको देख के वैराग्य। किसी भी प्रकार से हो जावे, बुरे काम करने का प्लान करने में वैराग्य। एक कहानी सुन लीजिए, ऐसे बहुत संतों की मजेदार मजेदार कहानी है। एक एक सज्जन के जो बाद में संत भए, उनकी कहानी है कैसे संत बने। तो वो एक दासी से प्रेम करते थे, उस समय दास प्रथा थी, तो दासी से प्रेम करते थे, लेकिन वो दासी इनको प्यार नहीं करे, वो बहुत कोशिश करें लेकिन वो उसको प्यार नहीं करे। तब उन्होंने क्या किया, अब देखिए उनका बुरा मन चल रहा है, वो एक जादूगर के पास गए। वो जादू करने का, आप तुम जादू करो, कुछ ऐसा जादू करो कि वो मुझे प्रेम करने लग जाए, मैं उसको चाह रहा हूं। जादू करने का, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं करना, देखो ये खराब चीज तुमसे कराना चाहते हो, तो तुम कोई अच्छा काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम कोई भगवान का नमाज नहीं पढ़ना, मुसलमान संतों की है, सूफी संतों की नमाज नहीं पढ़ना, भगवान का नाम ले नहीं ना, मस्जिद में नहीं जाना, ठीक है कुछ ऐसा भगवान के काम नहीं करना, ठीक है कि 15 दिन बाद आना, मैं जादू करूंगा। उसने बहुत किया, बहुत किया, वो कहता है कि यार तुम कुछ गड़बड़ है, तुम कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। देखिए ये उल्टा है, यानी बुरा काम से का परिणाम। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नमाज में नहीं पढ़ जात करता था, किसी संत से मिला भी नहीं, हाँ इतना करता था कि रास्ते में जाता था तो पत्थर वत्थर पड़े रहते थे तो हटा देता था कि लोगों को रास्ते में कोई कष्ट नहीं हो, उनके पैर में न चुभे। देखिए देखो इसी के कारण मेरा जादू नहीं कम, और के देखो तुम कैसे हो कि जिस भगवान ने तुम्हारे अच्छे काम, छोटा सा अच्छे काम का फल दिया कि तुमको बुराई में नहीं पड़ने दिया, उसको छोड़ के तुम ये काम कर रहे हो। उनको वैराग्य, एक बुरे काम करने जाते हुए भी वैराग्य हो गया। ऐसे कई दृष्टांत अगर आप संतों के जीवनी में देखेंगे तो वो बुरी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति के बाद में उनके जीवन में वैराग्य आ जाता। देखते हैं किसी को कष्ट दिया, उसके बाद उतारे राम राम, मैंने क्या किया, मैं बड़ा खराब काम किया, उसको मैंने मारा, अरे राम राम इतना काम नहीं कर रहा, जीवन में बेरा। तो ये कहती है कि दुराशा के द्वारा, बुरी आशा थी मेरी, इम्प्योर होप, एक अपवित्र इच्छा आशा पूर्ति करने के लिए बैठी थी, उससे मुझे वैराग्य हो गया। जाता सुखा वह, जो मुझे सुख प्रदान करने वाला है, सुख को ले जाने वाला वैराग्य प्राप्त हुआ। मेरे पुण्य कर्म, बड़े पुण्य कर्म थे कि भगवान विष्णु भी मुझ पर कृपा। वह यह कहती है कि विष्णु मुझसे प्रसन्न हुआ है कि दुराशा से मुझ पे वैराग्य हुआ है जो सुख प्रदान करने वाला। याद रखिए लोग भगवान की कृपा किसे मानते हैं, आते हैं क्या हुआ कि लड़की फर्स्ट आ गई क्लास में, लड़के को नौकरी मिल गई, बढ़िया नौकरी मिल गया, पास हो गया है,
आपका प्रमोशन हो गया है, तो वो आते हैं मिठाई उठाई ठाकुर जी को लेके, चार भगवान महाराज ठाकुर की कृपा हुई, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। ये क्या भगवान की कृपा होती है? जस्ट द अपोजिट। भगवान की कृपा तो तब होती है जब आपके जीवन में वैराग्य आ, किसी भी कारण से आ। हमेशा वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये छोटी मोटी चीजें, संसारिक वस्तुएं अगर मिलेंगी तो उसको आप मत समझिए कि ये बहुत वैराग्य, बहुत भगवान की कृपा है। एक हमारे स्वामी जी थे, तो सीनियर स्वामी जी थे, तो दूसरे एक स्वामी, यंग स्वामी जी गए, उनका कि महाराज देखिए देखिए हाउ लकी दैट मैन इज, वो देखिए उसको तो फॉरेन में पोस्टिंग हो गया, एक सन्यासी है, वो सन्यासी का फॉरेन में पोस्टिंग हो गया, महाराज जो बहुत बढ़िया, उसका तो बहुत अच्छा होगा, वो तो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा की, ठाकुर जी की कृपा है, उसको फॉरेन में पोस्ट हो गया। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा मत बोलो ऐसा, वो भोग के देश में जा रहा है, चारों ओर भोग ही भोग होंगे उसके। भगवान उससे वह प्रसन्न नहीं हुए, अप्रसन्न होगा। उसके बदले अगर उसको वैराग्य के स्थान पर रखते, कठिनाई में रखते, तपस्या करवाते, कष्ट देते, ये भगवान की कृपा। सब संत ये मानते हैं भगवान की कृपा का टेस्ट है भगवान संतों के जीवन में। वो कहते हैं अगर हमारे जीवन में दुख आए तो ये हम जानते हैं कि भगवान हम पर कृपा करें। ये बात ग्रहण करना बड़ा कठिन है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो यहाँ भगवान की कृपा है, जब बुरा हुआ देखो भगवान हम पर नाराज हो। अरे नाराज नहीं हुए हैं, वो आपको वैराग्य के लिए चांस दे रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो याद रखिए कि ये, इसलिए याद रखिएगा कि वो कहती है कि भगवान ने मुझे कृपा की है छुड़ाने के लिए। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें सुख आवे और आपका बंधन बढ़ता चला जाए, संसार बंधन, बहुत सुख सुख मिल रहा है सब कुछ, संसार बंधन तो बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या भगवान की कृपा होगी? वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य प्राप्त हो तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा है। मैं वम स्यु मंद भाग्याया क्लेशा निर्वेद है तव ये नानुबंधम निर्हृत्य पुरुष शममृच्छति। अब क्या बोलती है कि आगे कहती है कि मैं मंदभागी हूं। इसका दो इंटरप्रेशन हो सकते हैं। यदि मैं मा एवं स्यु मंदभाग्या क्लेशा निर्वेद है तब, मैं मंदभागी हूं कि मेरे जीवन में निर्वेद के लिए क्लेश आया, वैराग्य उत्पत्ति के लिए मेरे जीवन में क्लेश आया, ये मैं मंदभागी हूं। सौभाग्य व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति और जो सौभाग्यवान व्यक्ति, तो वह है कि जिसके जीवन में क्लेश न आवे और वैराग्य हो जाए। क्लेश की क्या आवश्यकता? लेकिन अधिकांश लोगों को, हमको क्लेश के बिना वैराग्य नहीं होता। थपेड़े खाकर, झटके खाकर, मार खाके हमको वैराग्य होता है, ऐसे वैराग्य नहीं होता। लेकिन वैराग्य विवेक की सारा विचार के द्वारा रह के भी हो सकता है। बुद्ध के जीवन में कोई क्लेश तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में निर्वेद हो गया था। इस श्लोक को हम और आगे करेंगे, आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।